Honorable Member श्री राजू बिस्ता जी, धन्यवाद सर आपका। और द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2022 के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हूं सर। और हमें आज बड़ा गर्व होता है कि जब हमारी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति वो इसी समाज ट्राइबल समाज से आती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, पिछड़े, इन सभी का बहुत तेज़ी से जो है उन्नति और उनका विकास हो रहा है। आंकड़े स्वयं बताती है कि जिस तरह से 2013-14 में ट्राइबल मिनिस्ट्री के ऊपर में करीब 25,000 करोड़ रुपए का खर्चा और बजट होता था, आज वो बढ़ के 90,000 करोड़ रुपये हो गया, यानी करीब 360% की ग्रोथ है। और आदिवासी समाज जिसको अपना भगवान मानता है, ऐसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा जी का जो जन्मदिन है वो एक जनजाति समाज, जनजाति गौरव के रूप में मनाता है, वो मोदी जी की और इस सरकार की बहुत बड़ी समाज को देन है। सर मैं सीधा दार्जिलिंग की तरफ आना चाहूँगा क्योंकि दार्जिलिंग का सांसद होना अपने आप में बहुत सारी उसकी विशेषताएँ हैं। भारत में एकमात्र जिला जिसमें एक तरफ भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत कह लीजिए या चाइना लगता है, एक तरफ बिहार, सिक्किम और आसाम भी लगता है। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी आप ये किताबों में पढ़ेंगे, लेकिन अगर उसका प्रैक्टिस आपको देखना है, मैं आपका मैं स्वागत करना चाहूँगा दार्जिलिंग में। हर जाति समाज के लोग मिलजुल करके रहते हैं, ऐसा एक विशिष्ट स्थान है, चाहे वहाँ की चाय हो, चाहे वहाँ का टॉय ट्रेन हो, वहाँ की टूरिज्म हो। और हाइड्रो पावर से बिजली भी सबसे पहले हिंदुस्तान में दार्जिलिंग में आई। और भारत में बसने वाले करीब 1.5 करोड़ गोरखा समाज का ये धड़कन है, उनकी आत्मा भी दार्जिलिंग में बसती है। सर मैं ये कहना चाहूँगा, भारत के जो 1.5 करोड़ गोरखा है, आए दिन इनके साथ बहुत अन्याय और अत्याचार होता है। जो संविधान सबको समान अधिकार देता है, कई कई बार हमको ऐसा लगता है कि ये शायद अधिकार हमारे लिए नहीं है। जबकि आप सर ये मानेंगे कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, जब भारत का संविधान बना, तब उस संविधान के सदस्य बनाने वाले दो गोरखा भी थे उन दिनों, डंबर सिंह गुरुंग जी और अरिबादिर गुरुंग जी। इशू ये है सर कि भारत नेपाल मैत्री, जो इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप TT है, उसके कारण दार्जिलिंग और खास करके जो सिक्किम में रहने वाले गोरखा हैं उनको बार बार विदेशी और उनको नेपाली नागरिक कहा जाता है। और इसके कारण जो है आपने देखा होगा कई बार दार्जिलिंग में कई सारे आंदोलन भी हुई, गोरखालैंड अलग राज्य की मांग भी हुई। खैर मैं वो आज विषय नहीं रखूँगा, वो अलग विषय अलग फोरम में करूँगा। मेरा ये कहना है सर, अगर जो देखिए गोरखा 1931-1941 तक ये ट्राइबल स्टेटस इनके पास था, हिल ट्राइब के रूप में जाने जाते थे, लेकिन 1951 के बाद बहुत चालाकी से जो है उनको उस अधिकार से छीन लिया गया। और पश्चिम बंगाल के हमारे साथी बहुत अच्छे भाषण दे रहे थे इस बिल के ऊपर में, उन्होंने राष्ट्रपति जी का भी अपमान किया। और उनका दूसरा मेरा उनके ऊपर आरोप ये है कि पूरा दार्जिलिंग जब 1954 में बंगाल का हिस्सा बना तो जमीन की तो अपना मना लिया, अपना मान लिया, लेकिन वहाँ रहने वाले जनताओं को अब तक इन्होंने अपना नहीं माना। मेरा आपके माध्यम से सर ये है कि जो छूटे हुए 11 जनजाति है उनको ST स्टेटस मिले, उसका कारण और भी है सर। FRA 1 2006 दार्जिलिंग में लागू नहीं है। दार्जिलिंग में ज़्यादातर लोग जो है चाय बगान में काम करते हैं, उनके पास पट्टा नहीं है, 200 साल से हैं। और वहाँ की स्टेट की सरकार आज जो है घुसपैठी करके जो अलग अलग देशों से आते हैं उनको उन चाय बगान में बसा करके वहाँ से गोरखाओं को भगाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। अगर हम गोरखाओं को ये ST स्टेटस देते हैं सर, उनकी जो बहुत बड़ी समस्या है, उनको बार बार ये जो विदेशी का लांछना लगता है उससे उनको मुक्ति मिलेगी। और लेपचा, धुपका, भुटिया, योलमा, शेरपा, लिंबू, तामंग ये ऑलरेडी ST में है। लिंबू और तामंग को तो 2003 में ST का स्टेटस उनको मिला है, यानी 2003 अटल जी के समय में। आज मगर, राय, सुनुवार, याखा, गुरुंग, नेवार, खस, धीमाल, धामी, भुजेल, ऐसे 11 जनजातियाँ उस स्टेटस से छूटी हुई है। और ये हम उनको देते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि ये उनके बच्चों को एडमिशन मिले इसके लिए नहीं है,
लेकिन उनके ऊपर में जो विदेशी होने का ये जो बार बार लांछना लगता है, कास्ट सर्टिफिकेट बनाने जाओ तो भी कहते हैं विदेशी हो, पासपोर्ट बनाने जाओ तो वो अधिकारी आके इतना तंग करते हैं, वो कहते हैं आप नेपाल से हो, वोटर आईडी कार्ड बनाने जाओ तो भी यही समस्या। तो ये एक जो 11 जनजातियां हैं, अगर हम उनको एसटी स्टेटस दे देते हैं तो इनका बहुत एक बड़ी समस्या का हल होगा। और मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहूँगा, मैं स्वयं मंत्री जी से कई बार मिला हूँ और भारत सरकार ने भी प्रयास किया है, कई बार कमिटियाँ भी बनी है और कमिटियों में जो है उनको लेकर के मतलब काफ़ी अच्छी बातें भी लिखी गई है। अब मैं ये चाहता हूँ इसमें ज़्यादा देरी नहीं हो और जल्द से जल्द उनको ये अधिकार मिले। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।